आज हम ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो ऐसा बिजनेस है हर लोगों को पसंद है, कहीं भी चलता है दोस्तों, गांव या सिटी कहीं भी चलता है, और आप इसको कहीं भी कर सकते हैं, बहुत कम पूंजी में भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पूंजी में भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो चलिए करते हैं बिजनेस की बात। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस इंडिया पर, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे। आज हम बात करने वाले हैं मुर्गी फार्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मुर्गी फार्म एक ऐसा बिजनेस जो कभी भी आपको लखपति बना सकता है दोस्तों, लखपति आप बन सकते हैं दोस्तों, हज़ारों हज़ारों रुपये कमा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं इस बिज़नेस को शुरू। दोस्तों आजकल आपको तो पता ही है मुर्गी फार्म कितना तेज़ी से बढ़ रहा है दोस्तों, आपको दस फार्म में कम से कम 6 तो आपको मुर्गी फार्म ही मिलेंगे जो कि पोल्ट्री फार्म होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता है चिकन किसको नहीं पसंद है, इंडिया तो छोड़िए हर देश में आपको चिकन मिलेगा खाने वाले, कम से कम 85% आपको चिकन खाने वाले दोस्तों मिल जाएंगे। तो आप इसी से सोच सकते हैं इसका बिज़नेस कितना आगे बढ़ रहा है, और कभी भी दोस्तों ये बढ़ता रहेगा। आप अगर मुर्गी फार्म करना चाहते हैं तो आपको कम से कम दोस्तों शुरुआती दौर में कम से कम 1000 पीस के चूजे रखने पड़ेंगे। आपको एक 200-100 चूजे नहीं रखना है दोस्तों, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम से कम 1000 चूजे रखना पड़ेंगे। वो चूजे दोस्तों आपको डेढ़ महीने में कम से कम 2-2.5 किलो के हो जाते हैं, तो आप डेढ़ महीने में उसको सेल कर सकते हैं दोस्तों। तो आपका 1000 अगर मुर्गी सेल होगी, आपका पोल्ट्री फार्म से अगर निकल गया मुर्गी, वो जो बॉयलर मुर्गी होता है दोस्तों, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो आपको कम से कम 40-50 हज़ार तो आना ही आना है दोस्तों। 1000 पीस अगर बेच देते हैं तो आपका आराम से डेढ़ महीने में निकल जाएगा दोस्तों। जब वो ख़त्म होता है दोस्तों, आपका बस पूंजी हो जाता है। अगर आपका बस पहले से ही पूंजी है तो आप दो लाइए, एक चूजा थोड़ा बड़ी हो जाए तो एक चूजा लाकर पहले से ही रख दीजिए अपने फार्म में, ठीक है। अगर नहीं है पूंजी तो आप कम से कम 1000 चूजे लाइए, रखिए, उसको रखने के बाद वो सेल हो जाए तो उससे डबल चूजे लाइए। तो ऐसे करते करते क्या होगा दोस्तों, आपके पास एक माल स्टॉक रहेगा तो एक माल सेल होगा, एक माल स्टॉक रहेगा तो एक माल सेल होगा दोस्तों। घबराने की बात नहीं है दोस्तों, आपके पास खुद लोग चल के आएंगे, मुर्गी वाले जो मुर्गी चिकन बेचते हैं दोस्तों, दुकान वाले बेचते हैं, वो खुद आएंगे कि हाँ अगला आदमी मुर्गी फार्म खोला, आपसे कॉन्टैक्ट करेगा दोस्तों। इसमें यही एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि आपको एक थोड़ा सा बड़ा जगह चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा बड़ी जगह होना चाहिए जिससे कि मुर्गी अच्छे से टहल सके, रह सके। ऐसा नहीं है कि एकदम छोटा सा जगह हो और उसमें 1000 चूहे या चूजे आप रख दे, वो जब बड़ी हो जाए तो उनको टहलने में, रखने में, घूमने फिरने में, पानी पीने में, खाने में, दाना वाना खाने में उसका जगह ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ बड़ा जगह ना होना चाहिए। अगर आपका अपना जगह है तो कोई बात ही नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं दोस्तों। आपका खेत अंदर पूरा देहात में भी आपका ये ज़मीन होगा, वहाँ पर भी आप ईंटे से घेर कर उसको अच्छे से ये कर आप उसका फॉर्म बना सकते हैं दोस्तों। अगर आप सिटी में रहते हैं तो सिटी में तो ये कर नहीं सकते, सिटी में बहुत कम होता है। अब सिटी में भी आप रहते हैं तो आपको अलग ही कहीं करना पड़ेगा दोस्तों। बिजनेस से दोस्तों आप 40-50 हज़ार का महीना आराम से कमा सकते हैं दोस्तों। आगे चलकर इस बिज़नेस अगर आपका आगे बढ़ गया दोस्तों, तो आप लाखों लो 2 लाख रुपये महीने का कमा सकते हैं दोस्तों। ये बिज़नेस लॉस वाला बिज़नेस नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छा बिज़नेस है। बस आपको टाइम से वैक्सीन देना पड़ेगा मुर्गियों को, और टाइम से दाना देना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद से ये बिज़नेस आपका रन करने लगेगा दोस्तों। आपको चिकन दुकान वाले से कॉन्टैक्ट रखना है दोस्तों। इस बिज़नेस में दोस्तों आप मेरे हिसाब से दोस्तों देसी मुर्गी भी रखें, जैसे कि कड़कनाथ हुआ, और कोई कोई मुर्गी होता है अच्छे अच्छे नस्ल के मुर्गी होते हैं, वो भी देसी रख सकते हैं, 50-100 रख सकते हैं। वो क्या होगा कि वो महंगे बिकते हैं, 300-400 रुपये किलो बिकते हैं दोस्तों, तो वो भी आप कमा सकते हैं दोस्तों। ये बिज़नेस बहुत अच्छा है दोस्तों, आप कर सकते हैं, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। लेकिन मैंने बताया आपको डिटेल में, अगर इस बिज़नेस के बारे में डिटेल में और भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं उसमें वीडियो में अच्छे से आपको बता दूंगा दोस्तों। इससे भी अच्छे से डीपली में सर्च करके, ये तो सर्च करके बताए, इससे भी डीपली में बता दूंगा। अगर आपको ये बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम या कोई कहीं छूट गया है, कोई मिस हो गया दोस्तों, तो आप कमेंट करें, मैं उसमें बता दूंगा दोस्तों आपको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।